हिमाचल के ज्वाली में ब्लॉक कांग्रेस ज्वाली कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के समर्थन में एक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि रैली की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह ने की, जबकि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस रैली विश्राम गृह ज्वाली से शुरू होकर ज्वाली बाजार से होते हुए कहरिया में पहुंची। रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उसके उपरांत कहरिया में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक किसान विरोधी हैं तथा ऐसा करके मोदी सरकार किसानों को कॉरपोरेट के हाथों बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेल एयरपोर्ट को बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेचने की कवायद में भाजपा सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी तथा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चंद्र कुमार ने मोदी सरकार द्वारा किसानों व उनके पक्ष में आवाज उठाने वालों को परजीवी कहने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं। उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके भाजपा ने समूचे देश के किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो देश में हरित व दुग्ध क्रांति लाई गई और किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। रैली जो हमने यहाँ निकाली है वो किसानों के हित में है, समर्थन में है। अगर हम जो है वो वहाँ बैठ करके समर्थन नहीं दे सकते तो हम कम से कम पब्लिक ओपिनियन बना करके लोगों को जो है उन लोगों को हम समर्थन देंगे। मीडिया प्रेस के जरिए हम जो है उनको सुनिश्चित करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी वहाँ पर धरने पर बैठेंगे और उनको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे। हम छोटे छोटे लोग किसानों से पैसा अनाज इकट्ठा करके हम उनको जो वहाँ पर भूखे प्यासे और इस परिस्थिति में जो है वो वहाँ बैठे हैं उनको हम मॉरल सपोर्ट भी करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। तो इसलिए ये एक रैली जो थी हमने निकाली है किसानों के समर्थन में और हम चाहते हैं कि ये किसानों का मसला जो है वो सरकार जल्दी इसको समाधान करे। और किसान को दबाने से मसला हल नहीं होगा, बातचीत से होगा। और ये तीनों कानून जो है इनको सरकार जो है वो रिट्रीव करे, वापस ले, दोबारा उनको सुने, हाई लेवल कमेटी बिठाई जाए, उनके ऊपर जो है वो चर्चा की जाए, चर्चा के बाद उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और जो किसानों को हित में वही बात जो है वो सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और इस खेती बाड़ी के ऊपर जो है वो 90% किसानों का अपना जो है वो वर्चस्व है। किसान छोटे से छोटा किसान अपनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग के ऊपर उसकी जो ओनरशिप देता है वो उसको किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट और इस प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं। और जो पार्लियामेंट में किसानों के बरखिलाफ़ जो प्रधानमंत्री ने अभद्र शब्द यूज़ किए हैं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन्होंने अनुदोजीवी और परजीवी का मतलब पैरासाइट का मतलब है कि बोझ है और खून चूसने वाले हैं। क्या किसान खून चूसते हैं? ये पैरासाइट है, ये जो है वो आंदोलन जीवी जो है ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि कुछ लोग जो है वो आंदोलनों में जाते हैं, किराए के लोग होते हैं जिसमें कोई एडवोकेटों के ऊपर उसने बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर पढ़े लिखे प्रोफेसरों के ऊपर उसने जो है वो एक चोट की है कि कोई भी आंदोलन होता है जो परजीवी वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब आप अमेरिका में गए थे तो आप पैरासाइट बन के गए थे या आप जो है वो परजीवी बन के गए थे? जब आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे और एक नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्या आप हिंदुस्तान के लोग वहाँ वोट कर रहे थे या अमेरिका के लोग वोट? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।